नमस्कार, इस बुलेटिन के साथ मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन चैनल हरियाणा। और आपको बता दें कि किस तरीके से खबर आ रही है रेवाड़ी से, वो बता देते हैं। रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने पूर्व सरपंच को गोली मारी है, गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। चोरों का पीछा करने पर भी फायरिंग की गई है। कैश और गहने लेकर ये चोर फरार हुए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सामने आया है। रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद है और यहां पर किस तरीके से औलाद गांव में चोरों ने पूर्व सरपंच के घर में घुसकर गोली चलाई है, चोरी की है। साथ ही सरपंच को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी किया है और पंच की हालत को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक तीन चोरों ने सुबह सुबह पंच के मकान पर चोरी करके सिर पर संदूक रखकर भाग रहे थे। जैसे ही चोरों की आहट उन्होंने सुनी तो चोरों का पीछा किया। भागते वक्त चोरों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, जिसमें पंच विजयपाल की टांग में गोली लगी। इस दौरान चोर संदूक मौके पर छोड़कर भाग निकले। तो बाहर से आवाज आ रही थी कि चोर 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 जा रहे हैं, तो जैसे बाहर निकल के देखा तो देखी कि सच में चोर जा रहे हैं। उन्होंने सिर पे संदूक उठाए रखी हुई थी और मेरे ताऊजी उनका पीछा करने लगे तो उन्होंने गोली चला दी। उसके बाद सभी इकट्ठा हुए लेकिन उनके पीछे भागे, लेकिन पकड़ नहीं पाए उनको कोई भी। मिस्टर विजयपाल 38 ईयर मेल ओला गांव से रहने वाला था। सुबह 4 बजे के अराउंड वो दूध निकालने के लिए जा रहा था बाहर, तो वहां पे कोई चोर वगैरह ने उनको गोली मारी। मरीज की हालत गंभीर थी, पूरे पैरों पर खून आया हुआ था, उसको गोली लगी हुई है, तो उसको हमने जो पीजीआई रोहतक रेफर किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक से। दिनेश, पूरी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए रेवाड़ी में जो पूर्व सरपंच है उनको जो है गोली मारी गई है, फायरिंग का ये मामला सामने आया है और उन्हें गंभीर अवस्था में पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस के अधिकारी पीजीआई में पहुंच चुके हैं और जो पीड़ित है उससे बयान लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो पीड़ित है उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही ये पूरा मामला जो है पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया है और बताया ये जा रहा है कि जिसको व्यक्ति को गोली मारी गई है उनको पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश के चलते ये सारा मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस से बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सारा विषय जांच का है और सबसे पहले जो है पीड़ित से बयान लिया जाएगा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे पुलिस इस पूरे मामले में अब तक क्या कर रही है। बिल्कुल, देखिए पुलिस से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सबसे पहले जो पीड़ित है जिनको गोली लगी है पूर्व सरपंच है, उनके बयान लिए जाएंगे और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो परिजन है उनसे पुलिस संपर्क कर रही है और जो परिजन है उनका कहना है कि जो आपसी रंजिश के कारण जो है ये फायरिंग हुई है, तो पूरा मामला अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।